दोस्तों जब से शैतान मूवी का 2 मिनट का टीजर आया है तब से लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ गई है कि मूवी कैसी होगी, क्योंकि जो टीजर है 2 मिनट का बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया इसको। हर लोग इस मूवी की कहानी के लिए उत्सुक हैं, जबकि मैं पहले से ही बता चुका हूं कि इस मूवी का जो गुजराती मूवी है वश, उसका रीमेक है, उसके कहानी के ऊपर बना हुआ। चूंकि गुजराती मूवी बहुत लोग देखते नहीं हैं, वो YouTube या किसी भी जो प्लेटफॉर्म पे उसका हिंदी वर्जन नहीं मिलेगा, तो लोग जानते नहीं मूवी की कहानी के बारे में। लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है 2 मिनट के स्क्रिप्ट में, वो एक क्रिएट कर रहा है बज दर्शकों के बीच में कि आखिर ये मूवी रिलीज कब होगी। तो मूवी 8 मार्च को रिलीज होगी तो पता ही चल गया। इसका इंटरेस्ट भी अच्छा है, 50% के आसपास देखा जाए तो बुक माई शो में इसका इंटरेस्ट है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मूवी क्यों ब्लॉकबस्टर हो सकती है। और दोस्तों जैसा कि लोगों की क्यूरियोसिटी देखकर और लोगों का सोशल मीडिया पे इसमें कमेंट देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। इसका दर्शकों का रिस्पॉन्स देख के पता चल रहा है, जिस तरह से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहानी को जानना चाहते हैं, मूवी का इंतजार कर रहे हैं, उससे पता चलता है। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि मैं बोल रहा हूं कि सही में ब्लॉकबस्टर होगी, इसके 5 कारण बताऊंगा। तो 5 कारण ये हैं कि पहला जो ये इसका कारण आप देखेंगे तो ये इसका दृश्यम जैसा ट्रीटमेंट है कि आपको एक दिखेगा कि मजबूर बाप है जो अपनी बेटी को काला जादू से बचाना चाहता है, किसी तरह से चाहता है कि वो उसकी बेटी जो एक व्यक्ति है जो कि माधवन बने हुए उस रोल को कर रहे हैं, उससे कैसे उसको बाहर निकाला जाए। क्योंकि जो टीजर में दिखता है कि वो जो बोलते हैं माधवन वही उनकी बेटी करती है, तो एक मजबूर बाप जो कि इमोशन की पिक्चर है आजकल बहुत चल रही है, तो बाप बेटी का जो इमोशन दिखाया गया कि बेटी अपने बाप अपने बेटी को कैसे बचाना चाहता है, कैसे उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है अपने बेटी को इस काला जादू से, ये एक बहुत बड़ा आजकल के टाइम में इमोशंस का तड़का है। दूसरा आर माधवन का एक अलग रूप है, आपने जो भी उसका जो पोस्टर देखा होगा, जो टीजर में जो उनका डायलॉग डिलीवरी या उनका प्रेजेंस लुक देखा होगा, तो आपको एक मतलब घुसमम आएगा, क्योंकि आपको लगेगा आर माधवन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और अगर इस तरह से उनका एक्सप्रेशन उनका लुक्स अगर जो दिख रहा है ट्रेलर में वो इस तरह से आएगा तो एक उनका लुक्स की वजह से लोग देखने जाएंगे, और वो एक क्रिएट करता है कि लोगों में क्यूरियोसिटी की लोग इस मूवी को देखें। ये दूसरा कारण था आर माधवन के, जो कि उनके एक्सप्रेशन में खतरनाक एक विलेन का रूप दिखाई देता है। दूसरी इसमें तीसरा जो चीज़ है इसका वश का रीमेक है। गुजराती मूवी जो वश है वो बहुत मतलब अपने टाइम में बहुत बड़ी हिट हुई थी, 2022 की मूवी है, उसको करीब करीब 5 स्टार मिले थे उस वक्त, और बताया जाता है कि मतलब वो मूवी जो है उसकी जो जिस तरह से अभी जो मूवी है जो अजय देवगन बना रहे हैं वो एक लो बजट की मूवी थी, लेकिन इसको बड़े स्केल पे बनाया जा रहा है, बड़े स्टार कास्ट और उसके साथ उसके ग्राफिक्स वगैरह सब यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से उसकी कहानी अच्छी थी वश की, तो इसलिए उस कहानी की वजह से ये लग रहा है कि तीसरी बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये मूवी बम्पर हिट हो सकती है। चौथा इसका कारण है कुछ हटके सुपर नेचुरल है। आपको याद होगा 90s के दौर में मूवी बनती थी जैसे कि रामसे ब्रदर्स का, तो लोग मानते थे सीक्रेट की मूवी है, एक मतलब जो बोलते हैं कि जो अच्छे जो एक पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग मूवी को देखने नहीं जाते थे, जहाँ पे हॉरर लग जाता था उस मूवी को ऐसे लोग कतराते थे मूवी देखने के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ, जैसे कि भूत आया, और उसके बाद आपने देखा होगा राम गोपाल वर्मा ने 2-3 पिक्चरें बनाई थी, भूत बनाई थी, उसके बाद महेश भट्ट ने राज बनाई, उसके बाद 13 BB मूवी आई जो मेरे ख्याल से माधवन की मूवी, तो ये सब लोगों मूवी जो है एक बज क्रिएट किया, और उसमें ये जो मूवी आ रही है ये एक अलग लेवल पे जाने को, मतलब इसमें अजय देवगन जैसा स्टार है, मार माधवन है, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे पिक्चर हिट हो सकती है। और दूसरी बात जो इसके टीम है, ये टीम बहुत बड़ा है। दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टीम में आप देखिए कि रेड दृश्यम दृश्यम 2 के ये टीम ने इतने बड़ी बड़ी पिक्चरें हिट दिया है, और इसके प्रोड्यूसर केवल अजय देवगन नहीं है, पूरा ही टीम ही जो है जो इस मतलब हमेशा से बोलेंगे एक हिट टीम है जो एक हमेशा से बहुत सुपर हिट पिक्चरें दे चुकी है। तो ये सब कुछ कारण थे, जो 5वें कारण थे, मुझे लगता है कि इन 5 कारणों की वजह से ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। हो सकता है कि ये 500-600 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाए अगर सही तरीके से दर्शक जैसे सोच रहे वैसी पिक्चर बने,
और चूंकि मुझे लग रहा है कि सारे टीम अच्छी है तो मूवी अच्छी बनेगी, और वर्ष का जो कहानी है वो काफी अच्छा है। मैंने मतलब पिक्चर तो नहीं देखी है लेकिन उसकी कहानी के बारे में काफी रिसर्च किया है, और जो ट्रेलर है उसके कई फुटेज में मैंने देखे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे आज के टाइम में अगर इतनी बड़ी टीम उसको अगर सही तरीके से ट्रीट देगी तो ये मूवी जो है बहुत अच्छी होगी। विकास बहल ने बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, काफ़ी हिट पिक्चरें भी दी हैं। सुपर 32 की बहुत बड़ी पिक्चर थी जो क्रिटिकली एक्लेम भी बोल सकते हैं ये मूवी थी, तो इसलिए मुझे लगता है इन सब चीज़ को मिलाया जाए तो ये मूवी जो है काफ़ी अच्छी बन सकती है। और अजय देवगन के जीवन में मतलब फिल्मी जीवन में बहुत दिनों के बाद तानाजी के बाद एक और बहुत बड़ी हिट पिक्चर दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।